वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स में जो टूल्स हम सीख रहे हैं उसमें आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एनवलप टूल के बारे में। एनवलप टूल बेसिकली किसी भी शेप को रीशेप करना या टेक्स्ट पर रीशेप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम किसी और शेप में ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर अभी इसमें रेड कलर फिल कर लिया है और मुझे इसको एक एप्पल शेप देना है, तो मैंने यहाँ से एनवलप टूल पे क्लिक करा और एनवलप टूल पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स आ चुके हैं चारों तरफ। किसी भी पॉइंट्स पे आप क्लिक करके उसे यहाँ से रीशेप दे सकते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट पर हम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं जिसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब आप जितना यहाँ से इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कितनी ईजीली हमने यहाँ से एनवलप टूल की हेल्प से अपनी शेप को रीशेप कर दिया है। तो यहाँ से हम कोई भी शेप किसी भी एंगल में बनाने के लिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर फिर से चेंज करना चाहें तो इसी पॉइंट से आप नीचे की तरफ उसे रखते हुए यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे तो यहाँ से शेप को आप चेंजेस करने में हेल्प मिलेगी। जैसे हमने देखा था शेप टूल से हम कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से डबल क्लिक करते हुए उसको रीशेप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जैसे स्ट्रेट लाइन मोड, जैसे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सिंगल आर्क मोड, तो वही यहाँ से यूज़ होंगी। आर्क मोड में किस तरीके से आपको यहाँ पर चेंज करना है, क्लियर एनवलप से हमारी शेप वापस से पहले जैसी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसको भी हम यहाँ से अलग इफ़ेक्ट देना चाहते हैं एनवलप टूल की हेल्प से, तो यहाँ जैसे ही हम एनवलप टूल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से चेंजेस करने पे वो इफ़ेक्ट हमारे टेक्स्ट पर शो हो रहे हैं। अब ये हैंगर टूल से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर हैंगर दिख रहे हैं आपको उससे हम अपने पॉइंट्स को रीशेप दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, और नोट्स को यहाँ पर हम आराम से चेंजेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो शेप टूल से भी यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं उसी पे, क्योंकि जैसे ही हम शेप टूल लेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एनवलप टूल सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि कन्वर्ट टू कर्व किए बिना हम यहाँ से एनवलप टूल से उसको रीशेप कर सकते हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ से भी हम दे सकते हैं, जैसे हमें ओरिजिनल मोड में चाहिए या पुटी मोड में चाहिए, तो कैरेक्टर्स यहाँ से ठीक तरीके से हमें शो होंगे। तो ये हमारे कुछ बने हुए प्रीसेट भी हैं, जैसे आप उसको वापस से किसी और मोड में बदलना चाहें, पुश डाउन, यहाँ से पिंच टाइप या यहाँ से पुश अप, ये सारी चेंजेस आप कर सकते हैं और मैनुअली भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये था हमारा एनवलप टूल। आने वाली वीडियोस में हम एक्सट्रूड टूल के बारे में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।